फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको iOS 16.6 बीटा 4 का जो रिव्यू देने वाला हूँ, कैसा ये वाला अपडेट में आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं या फिर क्या कुछ यहाँ पे बग फिक्सेस है, बैटरी लाइफ कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। एंड दोस्तों यहाँ पे iOS 16.6 कब जो है रिलीज़ होने वाला है ऑफिशियली आई थिंक, और या फिर RC वर्जन कब रिलीज़ होने वाला है वो भी वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो फिर दोस्तों आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इस वाले फ़ोन को दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा दिन से यूज़ कर रहा हूँ ऐसे प्राइमरी डिवाइस। पहले मैं एक एंड्रॉयड यूज़र था एंड दोस्तों मैं जब भी ट्राई करता हूँ एंड्रॉयड टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो है यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल ही दोस्तों सपोर्ट कोई भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बेकार से व्यूज आते हैं। अगर मैं कोई भी कंटेंट पे अभी जो है अपने चैनल में यहाँ पे वीडियो को अपलोड करूँ या फिर चाहे वो ऐसे iOS से रिलेटेड हो या फिर कुछ हो, दोस्तों बिल्कुल भी अभी जो है बिल्कुल से ख़राब सा रेस्पॉन्स मिलता है। ये देख सकते हो शॉर्ट्स के वीडियो में भी दोस्तों 5 डेज में कितने कम व्यूज़ मुझे अभी गेन करने को मिल रहा है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ थीम के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दोस्तों अब जो है आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है अभी भी। दोस्तों एक दो दिन रुक जाओ, एक वीडियो में थीम से रिलेटेड अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे कंटेंट का प्रॉब्लम होता है, थीम्स यहाँ पे नए नए क्रिएट करना, आइडियाज़ इतने मिलते नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और कोई यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बंदे भी मुझसे कमेंट नहीं करते हैं, जबकि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, हर किसी भी वीडियो में मेरा जो है कॉमेंट सेक्शन ऑन रहता है। आप कोई भी टॉपिक का वीडियो अगर आपको चाहिए तो फिर वहाँ पर जो है आप बोल दिया करो तो फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वाले फ़ोन का परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ इस वाले अपडेट का, तो फिर दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है, 19-20 का फ़र्क है, अच्छा खासा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से ये वाला जो है आपका सारा कुछ यहाँ से काम कर देगा ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो, यहाँ पे हैवी एक्स सॉरी यहाँ पे हैवी गेम्स हो, हैवी एडिटिंग हो, आप कुछ भी यहाँ से इस वाले अपडेट में परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क रिलेटेड इशू है तो फिर हो सकता है वो बरकरार रही है, क्योंकि इस वाले अपडेट में जो है मॉडर्न फॉर्मवेयर यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों जब आप 16.6 के बीटा 3 में यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड को, जब आप यहाँ पे स्पॉटलाइट सर्च पे जाते थे सीरी सर्चन पे तो फिर कीबोर्ड जो है लैग करता था या फिर अच्छे से ओपन नहीं होता था, जो कि अब जो है काफ़ी अच्छे से आपका ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से ज़्यादा कुछ दिक्कत फेस करने को नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इस वाले फ़ोन के जो है मेन थिंग की क्या कुछ इस वाले नया है। नया तो दोस्तों कुछ भी नहीं है इस वाले अपडेट में, क्योंकि iOS 17 का बीटा 2 भी निकल चुका है एंड एप्पल जो है अभी आई डोंट थिंक सो 16 में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत जो है फीचर्स देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे 8 प्लस यूज़ करते हैं, उनका मनी दोस्तों वर्स्ट यहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है रिफर्बिश्ड खरीद कर अभी भी चलाते हैं मल्टीवर्स को, ठीक है। हम दोस्तों अब जो बैटरी के बारे में बात करता हूँ, बैटरी में आपको ज़्यादा कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जैसा था पहले दोस्तों अभी भी वैसा ही बैटरी बैकअप है। आपको बैटरी बैकअप में यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों 16.5.1 का जो है बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था 16.5 के बैटरी बैकअप को लेके, यहाँ पे 16.5.1 में जो है मुझे आधा घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, ठीक है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट है। अगर आप नॉर्मल से यूज़र हो तो फिर आप बीटा में कभी भी स्विच मत करना। अगर आपके पास PC वगैरह है, यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट वाला राउटर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर बिल्कुल ही दोस्तों शिफ्ट मत करना, स्टेबल वर्जन ही पब्लिक के लिए यहाँ पे आपके लिए ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे मेरा चैनल में भी देख सकते हो कैसे बीटा वर्जन से यहाँ पे स्टेबल पे जाते हैं। खैर दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
एंड किसी के पास भी यहाँ पे आईफोन नहीं होगा तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।